नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। लखनऊ से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। भूजल सप्ताह का समापन समारोह आज। समापन समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी। 16 से 22 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा भूजल सप्ताह आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शाम 4 बजे होगा कार्यक्रम। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। भूजल महत्व संरक्षण और संवर्धन के प्रति जागरूकता के लिए भूजल सप्ताह चलाया जा रहा है, तो आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 4 बजे ये पूरा कार्यक्रम होगा। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो समापन समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 16 से 22 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है भूजल सप्ताह और आज इस आयोजन का आखिरी दिन है। आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शाम 4 बजे कार्यक्रम होगा। और वही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एक दिन के उत्तराखंड दौरे पर रुड़की पहुंचे। रुड़की बॉर्डर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया का जोरदार स्वागत किया। डिप्टी सीएम ने रुड़की में आयोजित जीवन दीप आश्रम में शत चंडी महायज्ञ में शिरकत की और मां भगवती की पूजा के बाद उनका आशीर्वाद भी लिया। थोड़ी देर में प्रेस वार्ता करेंगे मनीष सिसोदिया। रुड़की पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, एक दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं मनीष सिसोदिया। तो थोड़ी देर में प्रेस वार्ता करेंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। सुमित हमारे संवाददाता, जहां से प्रेसवार्ता की जाएगी उस जगह पर मौके पर मौजूद हैं। सुमित, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? दिल्ली के डिप्टी सीएम कितनी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो क्या कुछ खास होने वाला है, क्या कुछ ऐलान किए जा सकते हैं, किन चीजों को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? बिल्कुल, दिल्ली के डिप्टी सीएम यहाँ पर आज उत्तराखंड दौरे पे पहुंचे हैं। यहाँ पर हरी रुड़की में एक धार्मिक आयोजन में शिरकत की, माँ भगवती का आशीर्वाद भी लिया। उसके बाद यहाँ पर नेशनल हाईवे पर एक निजी होटल में प्रेस वार्ता है। देख सकते हैं अभी थोड़ी देर, कुछ ही देर में अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जल्दी प्रेस वार्ता शुरू होगी और कहीं ना कहीं बहुत से मुद्दे हैं जो, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति में हलचल मचाने वाले मुद्दे हैं। और बिजली के बिल को लेकर जो 300 यूनिट तक की माफी की बात की गई, और कहीं ना कहीं एक उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने भी एक ट्वीट करके कहा था कि कुछ एक जो बिल की बात है वो भी बतानी है, उसकी को लेकर को प्रेस वार्ता की है। कई मुद्दे हैं, कई घोषणाएं हो सकती हैं, तो पार्टी को लेकर भी हो सकती है, तो उसी को लेकर यहाँ पर आज प्रेस वार्ता की जाएगी। कुछ ही देर में यहाँ पर हमारे साथ में यहाँ पर प्रेस वार्ता के लिए यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे यहाँ पर। और कहीं ना कहीं एक अहम प्रेस वार्ता भी मानी जा रही है, क्योंकि इसको लेकर यहाँ पे जो उत्तराखंड की जो राजनीति है उसमें जो आम आदमी पार्टी ने दस्तक दी है, तो उसको लेकर यहाँ कुछ घोषणाएं होगी। पार्टी संगठन से लेकर भी घोषणा हो सकती है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है फिर उनके साथ में भी मनीष की मीटिंग होगी, उनसे भी बैठक करेंगे, उसके बाद फिर वापसी उनकी दिल्ली के लिए हो जाएगी। जी बिल्कुल, सुमित आपसे यहाँ पर ये समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए अगले साल उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच अपने आप में बेहद अहम हो जाती है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, किन चीजों को लेकर सरकार पर निशाना साधा जाता है और क्या ऐलान किए जाते हैं, ये अपने आप में बहुत अहम है। बिल्कुल, ये बहुत ही अहम है, क्योंकि अब राजनीतिक गलियारों से आवाजें शुरू हो चुकी है, क्योंकि उत्तराखंड 2022 के जो चुनाव की आगाज शुरू हो चुका है, तो उसको लेकर तमाम जो पार्टी है पार्टी अपनी तैयारियों में लग चुकी है। उत्तराखंड में पूरी कमर कस ली है और पूरी 70 से 70 विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रही है उन्होंने, उसके लिए यहाँ पर पूरे पार्टी संगठन को मजबूत कर लिया गया और आज यहाँ पर उसको लेकर प्रेस की जा रही है। प्रेस में जो अपनी जो योजनाएं हैं, नीति है, उन नीति के बारे में बताया जाएगा और कहीं ना कहीं इसको लेकर जो कार्यकर्ता है कार्यकर्ताओं के अंदर भी उत्साह है, क्योंकि उनका स्वागत जिस तरह से हुआ, स्वागत भी देखने लायक था, क्योंकि जो आज की जो प्रेस वार्ता है उसमें हो सकता है कहीं कुछ जो घोषणा और घोषणा की जा सकती है, क्योंकि अभी जो इनकी सबसे पहले जो घोषणा की जो सरकार आने पर जो 300 यूनिट तक जो बिजली का बिल जो माफ करने की बात है। मनीष सिसोदिया हमारे साथ यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में प्रेस यहाँ पे शुरू होगी। इनके साथ में कर्नल कोठियाल जी भी हैं यहाँ पर और अब प्रेस को संबोधित करेंगे।
बिल्कुल, क्योंकि साफ तौर पर सुमित जिस तरह से देखा जाए चुनावी ये कहा जा सकता है समर शुरू हो गया है और इन सब के बीच तमाम घोषणाएं यहां से वो अपने आप में अहम हो जाएंगी और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की जनता को लुभाने की कोशिश करेगी तमाम वादों के जरिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो वादे हैं वादे किए जाएंगे क्योंकि जनता को क्योंकि जनता के बीच में अब जाना है तो उसी को लेकर ये प्रेस वार्ता शुरू होनी है। अब कुछ ही क्षण में प्रेस वार्ता शुरू होने जा रही है क्योंकि जो राजनीति है राजनीति को लेकर यहाँ पर जो आम आदमी ने दस्तक दी है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत से जो घोषणाएं हैं वो घोषणाएं भी होती हुई दिखाई दे रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मनीष सिसोदिया पहुंच गए हैं प्रेस वार्ता के लिए। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का और क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है उसको देखते हुए अपने आप में बेहद अहम कहीं ना कहीं ये प्रेस वार्ता कि आखिरकार किन चीजों को लेकर ये प्रेस वार्ता होती है, कौन से तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे। सुमित, आप वहां पर बने हुए हैं, जरा ये बताइए कि किस तरह से क्योंकि हम देख रहे हैं चुनावी मोड में यहाँ पर लगभग सभी पार्टियां आ गई हैं, चाहे उत्तराखंड की बात करें चाहे और भी प्रदेश की, आम आदमी पार्टी के लिए उत्तराखंड में कितनी चुनौतियां हैं? शुरू हो चुके अब ये आपके सामने देखें आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में सभी मीडिया के लोगों का स्वागत है। मुख्यमंत्री और हमारे साथी विधायक प्रेस वार्ता में सबसे पहले मनीष जी अपनी बात रखेंगे और उसके अंत में फिर हम अपने सवाल के भी मानी आज उत्तराखंड आगमन के दौरान रुड़की में जीवन दीप आश्रम जूना अखाड़ा में महामंडलेश्वर स्वामी यतिनंद जी के आग्रह पर आज यहाँ पर आगमन हुआ और उनके द्वारा आयोजित सत चंडी महायज्ञ में शामिल होने का अवसर मिला। मुझे बहुत सौभाग्य है मेरा कि आज इतने दिव्य यज्ञ में मुझे स्वामी जी के आग्रह पर आमंत्रण पर यहाँ शामिल होने का अवसर मिला। बहुत दिव्य अनुभूति हुई वहाँ वेद मंत्रों के द्वारा माता की माँ भगवती की पूजा की। मैं खुद माँ भगवती का उपासक थी, मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। मैंने अपने परिवार के लिए उत्तराखंड परिवार की खुशहाली के लिए पूरे देश की खुशहाली के लिए माता से आशीर्वाद मिलना प्रार्थना की माता के चरणों में और उसके बाद में शहर के अलग अलग कुछ क्षेत्रों में जाके आम लोगों के बीच गया, रेस्टोरेंट में मार्केट में लोगों से मिला, जाके युवाओं से मिला, महिलाओं के ग्रुप में बैठा जाके बात की, स्टूडेंट्स के बीच गया, बुजुर्गों के बीच गया, प्रोफेशनल्स के बीच गया, ऐसे ही कुछ लोगों से रास्ते में एकदम आम आदमी से मिला और मैंने उनके बीच एक सवाल रखा। मैंने उनके बीच कहा कि उत्तराखंड के लोगों के सामने आज एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसमें थोड़े दिन पहले तक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे जिनका निकनेम था जीरो वन चीफ मिनिस्टर। उसके बाद तीरथ सिंह जी आए, उनका नाम भी जीरो वन चीफ मिनिस्टर ही रह गया, काम नहीं कर पाए। उसके बाद पुष्कर धामी साहब आए हैं, पुष्कर धामी साहब तो खुल के कहते हैं कि भाई ना तो मैं किसी की चोरी रोकूंगा ना रोकने दूंगा, उनका तो स्टेटमेंट है। मैं सुन सिंह जी आए, उनका नाम भी जीरो वर्क चीफ मिनिस्टर ही रह गया, काम नहीं कर पाए। उसके बाद पुष्कर धामी साहब आए हैं,
पुष्कर धामी साहब तो खुल के कहते हैं कि भाई ना तो मैं किसी की चोरी रोकूंगा ना रोकने दूंगा। उनका तो स्टेटमेंट है, मैं सुन रहा था कि मैं किसी की चोरी बंद नहीं करूंगा, जो करता है करता रहे। तो उत्तराखंड की जनता के सामने एक तरफ निकम्मे और भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाले नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ एक कट्टर देशभक्त के रूप में आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल कोट्याल साहब हैं, जिनकी ईमानदारी की, जिनकी कर्तव्य निष्ठा की, जिनकी मेहनत की, जिनकी देशभक्ति की कस्में देश भर के लोग खाते हैं, जिनका पूरा जीवन देश के लिए कुछ करने और बलिदान देने, अपने आप को संकट में डाल के भी देश की सेवा करने के भरा रहा है, वो देवभूमि के लाल हैं। तो मैंने आज वहां पर पूछा लोगों से, जब मैं अलग अलग ग्रुप से मिला तो मैंने पूछा कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, भ्रष्टाचारी या भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाला, या देश की सेवा करने वाला ईमानदार मुख्यमंत्री होना चाहिए, कट्टर देशभक्त होना चाहिए कर्नल कोट्याल साहब जैसा। तो वहां तो युवाओं ने भी कहा साहब अगर कर्नल कोट्याल साहब जैसा, बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स मुझे मिला मेरे सवाल के जवाब में। मेरा सवाल स्पष्ट था कि क्या कर्नल कोट्याल जी जैसा व्यक्ति उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये तो मेरी एक छोटी सी यात्रा थी, मैं यज्ञ में शामिल होने आया था, तो इस अवसर का इस्तेमाल मैंने उत्तराखंड के एक शहर में छोटे से छोटे समूहों के सामने किया। आज मैं प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यही सवाल उत्तराखंड के सभी भाई और बहनों के सामने रखना चाहता हूँ। जैसा मैंने कहा, छोटे से समूहों में मैंने जवाब दिया तो बहुत उत्साहजनक था मेरे लिए तो, पर मैं उत्तराखंड के तमाम वोटर्स के सामने, उत्तराखंड के बच्चों के सामने, उत्तराखंड की महिलाओं के, भाइयों के, बहनों के, बुजुर्गों के, सबके सामने आज ये सवाल रखना चाहता हूँ कि क्या कर्नल कोट्याल जी जैसा व्यक्तित्व उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होना चाहिए। मैं आज आप सब पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध करूंगा कि मेरे इस सवाल को जनता तक पहुंचाएं, ताकि जनता अपने दिल से इसका जवाब दे सके कि क्या कर्नल कोट्याल जी जैसा व्यक्ति उत्तराखंड का भावी मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो यही सवाल रखने में आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आया था, मैंने थोड़े से लोगों से पूछा था, जवाब बहुत पॉजिटिव था। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके माध्यम से अगर ये सवाल जनता तक पहुंचेगा तो जनता के बीच से जवाब भी आएगा। तो मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, जहां सीधे तौर पर उन्होंने उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधा। बात करेंगे कुछ और खबरों की। मुरादाबाद में एडीजी साहब जब अपने ही पुलिसकर्मियों से राइफल चलाकर दिखाने को कहा तो सब ठाए ठाए फिस हो गए, ना बंदूक चल पाई ना ही चैम्बर चेक कर पाए। एडीजी साहब को तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। कुल मिलाकर कहें तो पुलिस वाले टेस्टिंग में पूरी तरह से फेल हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस की ठाए ठाए हुई फिस। एडीजी के सामने खुली पुलिस की पोल। राइफल को अनलोड नहीं कर पाए पुलिस वाले। बंदूक का चेंबर भी चेक करने में नाकाम। कैमरों के सामने देखिए पुलिस की हकीकत। अपने टीवी स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो किसी जंग की नहीं है। दरअसल मुरादाबाद रेलवे पुलिस के एडीजी पीयूष आनंद 15 अगस्त से पहले रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने पहुंचे थे। मुरादाबाद के राजकीय रेलवे पुलिस की पुलिस लाइन में पहले एडीजी साहब को सलामी दी गई। सलामी के बाद एडीजी साहब पुलिस लाइन का निरीक्षण करने लगे। इसी दौरान वहां खड़े सिपाही से उन्होंने उसके बंदूक पर टंगी राइफल को अनलोड करने के लिए कहा। सिपाही राइफल अनलोड नहीं कर पाया तो वहां खड़े दूसरे अधिकारी ने उस राइफल की मैगजीन निकाल ली, लेकिन पुलिसकर्मी फिर भी कुछ नहीं कर पाया। तब वहां खड़े तीसरे पुलिसकर्मी ने राइफल के नाल पर लगी संगीन को निकाल लिया। इसके बाद फिर वही
पुलिसकर्मी राइफल को अनलोड करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो फिर भी राइफल को अनलोड नहीं कर पाया। एडजी साहब मीडिया के कैमरों के सामने खड़े थे, लिहाजा उन्होंने सिपाही से कहा कि पहले चेंबर तो चेक करो, लेकिन वह पुलिसकर्मी चेंबर चेक करने में नाकामयाब रहा। तभी एडजी साहब ने सिपाही से कहा कि राइफल को खोलना जोड़ना जानते हो। उस पुलिसकर्मी ने इनकार में सर हिला दिया। पुलिस की नाकामी की कहानी यही खत्म नहीं होती। एडी साहब ने वहां खड़े दूसरे पुलिसकर्मी से भी यही सवाल पूछा तो उसने भी नामे सर हिला दिया। जाहिर है एडजी साहब को अंदाजा हो गया कि पुलिसकर्मी राइफल को खोलना जोड़ना नहीं जानते हैं। मीडिया भी साथ में ही थी, लिहाजा बिना कुछ कहे एडजी आगे बढ़ गए। हालांकि बाद में उन्होंने पुलिसकर्मियों का कुछ अलग ही अंदाज में बचाव किया। मैं वही आपको बोल रहा हूँ, आप लोगों ने देखा कि बहुत सी चीजें हैं जहाँ पे सुधार की आवश्यकता है, तो ये हुआ कि भी देखा जाए कि जो हथियार ये इस्तेमाल करते हैं तो उसको खोलना जोड़ना इनको आना चाहिए, उसकी साफ सफाई होनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस फायरिंग होनी चाहिए। तो जैसा मुझे बताया गया कि एनुअल फायरिंग तो हुई है, तो एक दो आदमी हो सकता है कभी कभी हथियार भूलना भूल जाते हैं, या कभी कभी ये भी होता है कि कोई वरिष्ठ अधिकारी अचानक कोई जिसे कहते हैं आउट ऑफ क्वेश्चन सिलेबस में जब आ जाते हैं, सिलेबस क्वेश्चन आ जाते हैं तो आदमी थोड़ा हड़बड़ा जाता है। तो मैं ये मुझे पूरा भरोसा है कि या तो ये पुलिस 15 अगस्त के मद्देनजर कितना एक्टिव है ये तो आप इनकी तैयारियों से अंदाजा लगा सकते हैं। जाहिर है हेडी साहब के निरीक्षण के बाद रेलवे पुलिस नींद से जागेगी और अपनी तैयारियों को लेकर सजग रहेगी। मुरादाबाद से अंकित शर्मा, न्यूज वन इंडिया। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, 1 अगस्त को मिर्जापुर आ सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। मिर्जापुर में विंध्याचल कॉरिडोर का कर सकते हैं उद्घाटन। आगामी चुनाव को लेकर होंगे पीएम और गृह मंत्री के कई कार्यक्रम। बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कमर कसी है। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी झोंके की ताकत। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लखनऊ में होंगे कई कार्यक्रम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री के यूपी में कई दौरे। यूपी में शुरू हुआ बीजेपी का बृहद चुनावी अभियान। तो बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष तो 1 अगस्त को मिर्जापुर आ सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। एसके वाजपेयी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। एसके वाजपेयी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? मिर्जापुर आ सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह 1 अगस्त को, अपडेट क्या है आपके पास? बिल्कुल, हम देखें जिस तरीके से बीजेपी 2022 को लेकर पूरी तरीके से एक्शन मोड में चल रही है। लगातार जो विभिन्न बड़ी परियोजनाएं, खासतौर पर महत्वाकांक्षी परियोजनाएं चल रही उत्तर प्रदेश में, उनको तेजी के साथ पूरा किया जाना है, जिसको लेकर 1 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह विंध्याचल धाम जा सकते हैं, जहां पर वो विंध्याचल कॉरिडोर का शुभारंभ कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर उसके एक दिन पहले ही अगर हम देखें तो पीएम मोदी का भी सिद्धार्थनगर में कार्यक्रम लगा है, जहां वो प्रदेश को 9 मेडिकल कॉलेजों की सौगात देंगे। साथ ही साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम लगे हुए हैं। तो हम कहें 2022 को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। गृह मंत्री अमित शाह जहां 1 तारीख को आएंगे, पीएम मोदी 30 तारीख को ही आएंगे, और उसके बाद लगातार केंद्रीय मंत्रियों, साथ ही साथ पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम होंगे, जिसका उद्देश्य यही होगा कि 2022 से पहले जो भी परियोजनाएं चल रही है उनको तेजी के साथ पूरा किया जाए, उनका शिलान्यास और साथ ही साथ उनका लोकार्पण और जो नई परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास किया जाए, ताकि तेजी के साथ इन परियोजनाओं के साथ ही लोगों को एक संदेश देने की कोशिश हो। इस संदेश के तहत गृह मंत्री अमित शाह 1 तारीख को विंध्याचल आ सकते हैं, और निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम के जरिए कहीं ना कहीं एक चुनावी संघनाद करने की भी कोशिश होगी और विपक्ष को भी एक जवाब देने की कोशिश गृह मंत्री की तरफ से होगी। जी बिल्कुल, इसके वाजपेयी, और इन दौरों के जरिए और तमाम सौगात जो उत्तर प्रदेश को दी जा रही है, इससे ये समझा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए किसी भी तरह की कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है बीजेपी।
बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हमने देखा है पीएम मोदी अभी वाराणसी आए थे और 30 तारीख को दोबारा से वो सिद्धार्थनगर आ रहे हैं, उसके अलावा 1 तारीख को गृह मंत्री का कार्यक्रम मिर्जापुर में लगा हुआ है। तो निश्चित तौर पर बीजेपी हर वो कील कांटे को दुरुस्त करना चाहती है जो 2022 की राह में रुड़ा है, चाहे वो बीजेपी के जो नाराज लोग हों उनको जोड़ने का हो या तेजी के साथ योजनाओं को पूरा करने का हो, जो परियोजनाएं महत्वाकांक्षी हैं जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार तेजी के साथ काम कर रही है उनको तेजी के साथ पूरा करने का काम हो, उत्तर प्रदेश को 9 मेडिकल कॉलेज देने का काम हो, या उसके अलावा जो जिन एक्सप्रेस वे पर निर्माण चल रहा है उनको तेजी के साथ पूरा करना हो, तो ये बहुत सारी ऐसी महत्वाकांक्षी चीजें हैं जिनको उत्तर प्रदेश सरकार तेजी के साथ पूरा कर रही है और कोशिश भी यही है कि 2022 से पहले इन चीजों को पूरा किया जाए। और गृह मंत्री और पीएम मोदी के उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ कार्यक्रम लगे, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लोगों को एक संदेश देने की कोशिश की जाए कि अगर उत्तर प्रदेश के साथ केंद्र में बीजेपी की सरकार होगी तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं योजनाओं का तेजी के साथ क्रियान्वयन होगा और इसका फायदा सीधे तौर उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलेगा। तो बीजेपी ये संदेश देने के लिए लगातार गृह मंत्री और पीएम मोदी के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में लगा रही है और लगातार उत्तर प्रदेश से ऐसे कार्यक्रमों के लिए पीएम मोदी और साथ साथ गृह मंत्री से संपर्क किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के मिल सके। जी चलिए, इसके बाद भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और वहीं आपको बता दें कि संगठनात्मक बैठकों के साथ ही योजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन और लोकार्पण शिलान्यास का अभियान चलेगा। इस दौरान जनसामान्य से जुड़ी योजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर होगा और इसी साल के अंत तक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा करने पर फोकस करने के साथ गृह मंत्री अमित शाह नवम्बर से यूपी में प्रवास करेंगे। और खबर है मेरठ से, जहां पर अवैध शराब तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। अवैध तरीके से शराब के ठेकों पर कसी गई नकेल। ठेका बंद होने के बाद होती है शराब की बिक्री, ऊंचे दामों पर बेची जाती है अवैध शराब। बियर बेचने वाले दुकानों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। असामाजिक तथ्यों पर पुलिस रख रही है कड़ी नजर। इंस्पेक्टर परतापुर नजीर अली खान ने लिया एक्शन। परतापुर थाना क्षेत्र में की गई पुलिस की तरफ से कार्रवाई। एके शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। एके शर्मा, जिस तरह से अवैध शराब बिक्री को लेकर ये नकेल कसी जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से, ये वाकई बेहद सराहनीय कदम है। जी हां, वाकई बेहद सराहनीय कदम है। एसएसपी प्रभाकर चौधरी के आने के बाद पुलिसिंग का तरीका बदला है। जो शराब 11-11 बजे तक बिकती थी, खुलेआम बिकती थी, थानों के पास बिकती थी, अब उनके ऊपर संज्ञान लेकर शिकंजा कसा जा रहा है। और बकरा ईद और त्योहार के मद्देनजर ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि कल बकरा ईद थी और उस पर शराब के ठेके अगर 10 बजे के बाद तक भी खुलते हैं तो कार्रवाई बनती है। वहां पर परतापुर थाने के जो एसओ है वो खुद मौके पर पहुंचे और ऐसे कई ठेकों को बंद कराया जो रात को बियर और शराब और देसी शराब बेच रहे थे। वहीं पर तट्टे से लेकर अवैध शराब तक की जितनी भी कार्रवाई हो रही है वो प्रभाकर एसएसपी चौधरी ने स्पष्ट आदेश के बाद हो रही है। सबसे बड़ी बात, अब प्रदेश सरकार ने जो कानून और गाइडलाइंस दी है उसी के तहत ये ठेके खुलेंगे और थानों को उसका ध्यान रखना होगा। जी चलिए, के शर्मा बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।